यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। गांवलोखी में दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर वार किए। उपचुनाव में बीजेपी की हार पर हुड्डा ने कहा कि लोग अब बीजेपी को बदलने का मन बना चुके हैं। इस सरकार में डीजल सबसे सस्ता होने पर भी सबसे महंगा रखा गया। सरकार ने 70 साल के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, इस सरकार में पहली बार किसानों को भी धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा पंडित सोहन लाल आर्य की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी के साथ हरियाणा में गठबंधन नहीं करेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। हम एक बार तो 70 साल का डीजल का रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, तो अपना हमें ये नहीं पता था कि इस तरह के रिकॉर्ड बनते हैं। तो ये अपना मैं समझता हूँ कि लोग इनके बातों में, अब लोग इनको एक संकेत दिया लोगों ने आज के बाय इलेक्शन के माध्यम से कि भाई ये केवल बातें करके काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। ये एक संकेत है कि देश के लोग जो इन्होंने 4 साल एक जो जुमले चलाए, देश की अर्थव्यवस्था रिपोर्ट कार्ड आया है 6.7% का ग्रोथ रेट हुआ है पिछले क्वार्टर में। चलिए बात करेंगे अम्बाला की, जहां नारायणगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम से बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। स्कीम का शुभारंभ सांसद रतनलाल कटारिया और राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने संयुक्त रूप से किया। नारायणगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में 5,51,00,000 रुपए की राशि खर्च करके शहर को बिजली की तारों के जाल से मुक्त कर दिया जाएगा। ये काम 8 महीने में पूरा किया जाना है। इसके अलावा लो वोल्टेज की समस्या से भी छुटकारा मिल सकेगा। इसके अलावा बिजली संबंधी दूसरे काम भी किए जाने हैं, जिसमें हुड्डा सेक्टर में 11 केवी का एक अतिरिक्त फीडर बनाया जाएगा। इस मौके पर सांसद रतनलाल कटारिया और राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। साथ ही नारायणगढ़ शहर में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा चुका है। अब बिजली के तारों के जाल से जनता को छुटकारा मिल सकेगा।